हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइंग एडुटेक क्लास। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था इंश्योरेंस, डेफिनेशन ऑफ इंश्योरेंस एंड प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस को हम चार टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज लाइफ इंश्योरेंस, सेकेंड फायर इंश्योरेंस, थर्ड मरीन इंश्योरेंस एंड लास्ट दैट इज फोर्थ हेल्थ इंश्योरेंस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्या है और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के टाइप्स क्या होते हैं। अगर हम लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो ये लाइफ से रिलेटेड है, किसी एक पर्सन के लाइफ से रिलेटेड होगा, डेथ और अलाइफ से रिलेटेड होगा। तो हम अगर इंडिविजुअल पर्सन हैं तो हमारे लाइफ में बहुत सारे रिस्क और अनसर्टेनिटीज होता है। हमें ये डर होता है कि हम एक सर्टन एज तक हो सकता है रीच नहीं कर पाए और उससे पहले ही हमारा डेथ हो जाए। अगर हमारा डेथ हो जाएगा तो हमारी फैमिली का क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं। लाइफ ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स इज अनसर्टेन एंड इट इज ऑलवेज एक्सपोज टू सम काइंड ऑफ रिस्क। ओके, देयर मे बी अ रिस्क ऑफ डाइंग टू अर्ली। बहुत जल्दी अगर हमें मरने का संभावना हो या हमें लगता है कि हम बहुत जल्दी मर जाएंगे या हमारा डेथ हो जाएगा, तो उसके लिए हम लोग क्या लेते हैं, लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं। एज अ रिजल्ट देयर इज अ नीड फॉर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द फैमिली इन केस ऑफ डेथ और ड्यूरिंग ओल्ड एज। अगर हम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो वो हमें दो तरीके से हेल्प करता है। एक, अगर हमारा डेथ हो जाता है तो वो फैमिली को सपोर्ट करेगा, फाइनेंशियल सपोर्ट फैमिली को मिलेगा। नेक्स्ट इज, अगर हमारा डेथ नहीं होता है और मैं या जो पॉलिसी होल्डर है वो ओल्ड हो जाता है, वो बूढ़ा हो जाता है, तो उसे वो ओल्ड एज में वो पैसा काम आएगा। ओके, तो लाइफ इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट। लाइफ इंश्योरेंस क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन अ पर्सन एंड द लाइफ कॉरपोरेशन। दो लोगों के बीच में क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक पर्सन और एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है, जो पॉलिसी देता है, उनके बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट है। ओके, अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार आई स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी, ठीक है, इज पेबल बाय द लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन को हमें एक स्पेसिफाइड अमाउंट या स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी पे करना होता है ऑन द डेथ ऑफ द इंश्योर्ड एंड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पॉलिसी पीरियड। ओके, अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस A specified sum of money is payable by the life insurance corporation. Life insurance corporation देता है पैसा on the death. अगर उस policy holder का death हो जाता है या after the expiry of the policy period. दो condition होंगे, जिसने policy लिया है उसे हम policy holder बोलते हैं। अगर उसका death हो जाता है तो एक sum of money हमें pay करना होगा, हमें मतलब जो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है वो उस व्यक्ति को देगा या उसने अपने बदले जो जिसको नॉमिनी बनाया होगा। डेथ ऑफ द इंश्योर्ड और आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पॉलिसी पीरियड विच एवर इज अर्लियर। ओके, इन दोनों में से जो भी पहले आएगा उसको लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के द्वारा पैसा मिल जाएगा। या तो उसका डेथ हो जाए या डेथ नहीं होता है तो एक्सपायरी ऑफ द पॉलिसी आ जाए। जो एक्सपायरी है पॉलिसी का, जितने टाइम तक के लिए हमने पॉलिसी ले रखा था, अगर उसका डेथ पहले आ जाता है तो उसी डेट के हिसाब से हमको पैसा मिल जाएगा, सब्जेक्ट टू द पेमेंट ऑफ द प्रीमियम वेन एवर ड्यू। ठीक है, द अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिसी एंड पीरियडिसिटी। पॉलिसी के आधार पर और कितने पीरियड के लिए लिया जा रहा है उसी के आधार पर जो एक होल्डर है वो प्रीमियम भरता है, प्रीमियम पे करता है। अगर हम एक पॉलिसी लेते हैं
तो पॉलिसी जो लाइफ कॉर्पोरेशन जो है वो हमें तो पैसा देगा जब हमारा डेथ हो जाएगा या पॉलिसी का एक्सपायरी डेट पहले आ जाएगा, लेकिन उससे पहले हमें एक फिक्स्ड अमाउंट पे करना होता है या एक फिक्स्ड फीस पे करना होता है जिसे हम प्रीमियम बोलते हैं। वेदर अगर हम मंथली भरना चाहते हैं तो मंथली पे कर सकते हैं, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअली। इस तरीके से हम क्या करेंगे, हम प्रीमियम को पे करेंगे। तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अगर हम लेते हैं तो हमें एक प्रीमियम भरना होता है या प्रीमियम पे करना होता है जिसको हम मंथली पे कर सकते हैं, क्वार्टरली पे कर सकते हैं, हाफ ईयरली और एनुअली भी हम इसे पे कर सकते हैं। ओके, द प्रीमियम हैज़ टू बी रेगुलरली पेड टू द इंश्योरर विच मे बी एनुअल हाफ ईयरली। अगर हम बात करें कि प्रीमियम हमें कब कब देना होगा तो हमें रेगुलर देना होगा। अगर हमने रेगुलर मंथली बेसिस पे रखा है कि हम हर महीने की 30 तारीख या 1 तारीख को आपको प्रीमियम पे कर देंगे तो रेगुलर हर मंथ के फर्स्ट में हमें पे करना होगा, या क्वार्टरली रखा है या हाफ ईयरली रखा है तो रेगुलरली हमें उसे कुछ समय के लिए पे करना होता है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वॉज इनिशियली इंट्रोड्यूस टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अनसर्टिनिटी ऑफ लाइफ। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को इनिशिएट किया गया या इस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करने का मेन कारण ये था कि जो हमारी लाइफ में अनसर्टिनिटीज़ हैं, अनसर्टिनिटीज़ को क्या कर सकते हैं हम, या अनसर्टिनिटीज़ से हम ओवरकम कैसे हो सकते हैं, तो हम इंश्योरेंस के माध्यम से अनसर्टेनिटीज से ओवरकम हो सकते हैं। हाउएवर इट्स स्कोप हैज एंड देयर आर वेरियस टाइप ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। यहाँ पर बहुत सारी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अवेलेबल है, एक इंडिविजुअल डिसाइड करता है कि उसे कौन सा इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहिए या उसके लिए कौन सा इंश्योरेंस पॉलिसी ज़्यादा सूटेबल है, उसके हिसाब से कौन सी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ज़्यादा बेटर है, वो भी सोच समझकर ही लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेगा। नाउ वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। द फर्स्ट वन वी हैव इज होल लाइफ पॉलिसी। अंडर दिस पॉलिसी क्लेम इज पेबल ओनली आफ्टर द डेथ ऑफ द पॉलिसी होल्डर। अगर हम लोग होल लाइफ पॉलिसी की बात करें तो ये पूरे लाइफ तक हमें एक प्रीमियम भरना होता है, और उसके बाद जब तक उस पॉलिसी होल्डर का डेथ नहीं हो जाता है तब तक उसका पैसा नहीं मिलेगा। ओके, अ स्मॉल अमाउंट इज पेबल एज द प्रीमियम ऑन दिस पॉलिसी। अगर हम प्रीमियम की बात करें तो हमें कितना प्रीमियम देना होगा, तो अगर हम होल लाइफ पॉलिसी लेते हैं तो इस पॉलिसी का जो प्रीमियम होगा वो बहुत कम होगा। जो पॉलिसी होल्डर है उसको बहुत ज़्यादा प्रीमियम भरने की या पे करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कंडीशन इसमें यही एक है कि पैसा तभी पे किया जाएगा जब पॉलिसी होल्डर का डेथ हो जाएगा। अगर पॉलिसी होल्डर का डेथ नहीं होगा तो शायद उस टाइम तक पैसा नहीं मिलेगा। द प्रीमियम इज पेबल फॉर अ फिक्स्ड पीरियड, द पॉलिसी विल कंटिन्यू टिल द डेथ ऑफ द एश्योर। जिसने पॉलिसी लिया है जब तक वो लाइफ में रहेगा, जब तक वो जीवित रहेगा तब तक ये पॉलिसी कंटिन्यू रहेगा। ओके, हो सकता है उसने पॉलिसी लिया और वो 60 साल एक्सपेक्टेड कर रहा था कि मैं हो सकता है 60 ईयर में मेरा डेथ हो जाए, लेकिन उसके बाद भी वो जीवित रहा, तो वो जब तक जीवित रहेगा तब तक ये पॉलिसी कंटिन्यू रहेगा। द नेक्स्ट वी हैव इज एंडोमेंट पॉलिसी। दोज पॉलिसीज वेयर द अमाउंट ऑफ पॉलिसीज पेबल एदर एट द टाइम ऑफ डेथ और ऑफ द पॉलिसी होल्डर और एट द एक्सपायरी टर्म ऑफ द पॉलिसी विच एवर इज अर्लियर। अगर हम लोग एंडोमेंट पॉलिसी की बात करें तो यहाँ पे जो हमें पैसा मिलेगा, यहाँ पे जो हमें अमाउंट मिलेगा वो दो कंडीशन में मिल सकता है। एक तो ये है कि अगर जो हमने पॉलिसी लिया है उसका डेथ पहले आ जाए या उस पॉलिसी का एक्सपायरी पहले हो जाए या उस पॉलिसी होल्डर का डेथ पहले हो जाए, इनमें से जो भी पहले होगा
वो उसे पैसा मिल जाएगा। दीज पॉलिसीज कैन बी इंडिविजुअल और एज वेल एज ज्वाइंट। और इस तरीके की जो पॉलिसी होती है हम उसे साथ में भी ले सकते हैं और इंडिविजुअल भी ले सकते हैं। यूजुअली इन केस ऑफ डेथ द अश्योर्ड बिफोर द अटेंड द स्पेसिफाइड एज द सम इज पेबल टू हिज लीगल ओके लीगल और नॉमिनी। या कहने का मतलब है कि जो जिसने पॉलिसी लिया उसे हम पॉलिसी होल्डर बोलते हैं, तो पॉलिसी होल्डर ने एक नॉमिनी बनाया होगा। अगर उसका डेथ होगा तो सारा का सारा पैसा किसे मिलेगा? नॉमिनी को मिलेगा। तो जिसको नॉमिनी बनाया होगा उसको वो पैसा मिल जाएगा। द नेक्स्ट वी हैव इज टर्म पॉलिसी। दिस पॉलिसी इज टेकन फॉर अ फिक्स पीरियड। ये जो पॉलिसी है एक फिक्स पीरियड के लिए लिया जाता है। ओके द इंश्योरेंस क्लेम इज पेबल ओनली इफ द पॉलिसी होल्डर डाइज विद इन द टर्म। अगर जितने टर्म्स के लिए अगर हम पॉलिसी ले रहे हैं और उस पॉलिसी टर्म के अंदर अगर पॉलिसी होल्डर मरता है या उसका डेथ होता है तभी ये चीज उसको पे किया जाएगा। ओके नथिंग इज पेबल इफ ही सर्वाइव द होल टर्म्स। अगर उसने 10 साल या 15 साल के लिए पॉलिसी लिया और उसको एक्सपेक्ट था कि मैं हो सकता है 15 साल में या 10 साल में मर जाऊं, मेरा डेथ हो जाए, लेकिन एक जो टर्म है वो टर्म के बाद भी वो जीवित रहा, वो अलाइव रहा, तो उसको कुछ नहीं मिलेगा जब तक वो जीवित रहेगा। ओके तो ये हमारा था टर्म पॉलिसी। द नेक्स्ट वी हैव इज ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी। इट इज़ नॉर्मली टेकन ज्वाइंटली बाई ऑल द एम्प्लॉयज। ये साथ मिलकर के लिया जाता है जितने भी इम्प्लॉयज एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उन सारे इम्प्लॉयज के द्वारा जो कॉन्ट्रीब्यूशन होगा वो हम प्रीमियम बोलेंगे। तो इम्प्लॉयज जहाँ पर आपस में मिलकर के काम करते हैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में वहाँ पर वो ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं और इस इंश्योरेंस पॉलिसी का जो प्रीमियम होता है वो बहुत ही कम होता है और स्मॉल होता है। ओके द नेक्स्ट वी हैव इज एन्यूटी पॉलिसी। अंडर दिस पॉलिसी द अमाउंट ऑफ क्लेम इज नॉट पेड इन लमसम। इसका जो अमाउंट है या जो पैसा जो मिलता है उसको हम लमसम नहीं देते हैं, हम उसको इंस्टॉलमेंट पे करते हैं। ओके लमसम एट द एक्सपायरी ऑफ द पॉलिसी बट फिक्स्ड एनुअल इंस्टॉलमेंट। जब अगर हमारे पॉलिसी का एक्सपायरी हो जाता है जब हमारा पॉलिसी तब तो हमें पैसा मिलना होता है, लेकिन एन्यूटी मेथड में क्या होता है कि लमसम पैसा नहीं मिल जाता है, वहाँ पर क्या होता है इंस्टॉलमेंट पे हमें पैसा मिलता है। आर गिवेन अप टू अ फिक्स पीरियड और अप टू डेट ऑफ अ पर्सन। ओके दो कंडीशन है, या तो फिक्स पीरियड और अप टू डेट ऑफ अ पर्सन। द नेक्स्ट वी हैव इज ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। व्हेन टू और मोर पर्सन टेक अ लाइफ लाइफ पॉलिसी ज्वाइंटली। जब दो या दो से अधिक पार्टनर या पर्सन मिल करके ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी लेते हैं इट इज़ कॉल्ड ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ एनी ऑफ देम द अदर गेट इंश्योरेंस क्लेम। दो पर्सन ने मिलकर के एक पॉलिसी लिया है ओके जिसे हम ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी बोलते हैं। अगर उन दो पर्सन में किसी एक पर्सन का भी डेथ हो जाएगा तो उसका पैसा कौन लेगा? जो सेकंड होगा। दो पर्सन ने मिलकर के ये पॉलिसी लिया, उनमें से अगर किसी एक पर्सन का डेथ हो गया देन द अदर गेट्स इंश्योरेंस क्लेम। तो जो दूसरा पर्सन होगा वो क्लेम करेगा और उसके बाद उसको सारा पैसा मिल जाएगा। द नेक्स्ट वी हैव इज चिल्ड्रेन एंडोमेंट पॉलिसी। दिस पॉलिसी इज टेकन बाय अ पर्सन फॉर हिज और हर चिल्ड्रेन टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ देयर एजुकेशन मैरिज और एटसेट्रा। दिस एग्रीमेंट स्टेट दैट अ सर्टेन सम विल बी पेड बाय द इंश्योरर व्हेन द चिल्ड्रेन अटेन अ पर्टिकुलर एज। अगर हम लोग इंडोमेंट पॉलिसी की बात करते हैं, अगर हम लोग चिल्ड्रन इंडोमेंट पॉलिसी की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो एक पॉलिसी लेता है जो पर्सन वो क्या करता है वो अपने बच्चों के लिए पॉलिसी लेता है। ओके
दिस पॉलिसी इज टेकन बाय अ पर्सन फॉर हीज और हर चिल्ड्रेन, वो अपने लिए नहीं लेता है, वो अपने बच्चों के लिए पॉलिसी लेता है। क्यों लेगा वो अपने बच्चों के लिए पॉलिसी? हो सकता है अभी उसके दो बच्चे हैं, दोनों को पढ़ाना है, दोनों को एजुकेशन प्रोवाइड करना है, दोनों का शादी करना है, ठीक है, दोनों के मैरिजेस करने हैं, तो वो इतना कमाता नहीं है कि वो फ्यूचर में और ज़्यादा एक्सपेंसेस को बेयर कर पाए या और ज़्यादा लायबिलिटी को वो बेयर कर पाए। तो उसने क्या किया, चिल्ड्रन एंडोमेंट पॉलिसी ले लिया, जिसमें क्या होगा, उसने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए पॉलिसी लिया है या शादी के लिए पॉलिसी लिया, दोनों चीज़ों के लिए वो ले सकता है पॉलिसी। लेकिन उसमें एक सर्टन एज हमें बताना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर एज हमें उसमें मेंशन करना पड़ेगा कि जब बच्चे इतने एज तक, फॉर एग्जांपल 18 ईयर तक रीच करेंगे तब उन्हें वो पैसा मिलेगा, तब वो इस फैसिलिटी को यूज़ कर पाएंगे। तो इससे क्या फ़ायदा होता है, इससे ये फ़ायदा होता है कि हमारा जो फ्यूचर में बहुत बर्डन होने वाला होता है वो रिड्यूस हो जाता है। अगर हमें पता है कि हमारे पास फ्यूचर में फाइनेंशियल कंडीशन उतना अच्छा नहीं होगा तो हम बहुत सारे एक्सपेंसेस को कैसे बेयर करेंगे या बहुत सारे एक्सपेंसेस को कैसे हम पूरा करेंगे, तो उस टाइम ये इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो हमारे बच्चों और हमारे लिए बहुत बेनिफिट साबित होता है और हमें बहुत ज़्यादा बर्डन बेयर नहीं करना पड़ता है और ये हमारे वर्क लोड को रिड्यूस कर देता है। जब वो बच्चा बड़ा हो जाएगा तब वो MBBS करे या इंजीनियरिंग करे तो उसे ईजिली फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट वी हैव इज फंक्शन ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का क्या फंक्शन है, तो इसके चार मेन फंक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज सर्टेनिटी, प्रोटेक्शन, शेयरिंग रिस्क एंड कैपिटल फॉर्मेशन। हम बात करते हैं सर्टेनिटी का। इंश्योरेंस रिमूव द अनसर्टेनिटीज, इंश्योरेंस जो है वो अनसर्टेनिटीज को क्या करता है, रिमूव कर देता है। अगर हम लोग इंश्योरेंस लेते हैं तो इससे हमारे जो फ्यूचर में प्रॉब्लम्स आने वाले होते हैं या जो हम रिस्क बेयर करते हैं या जो हमको रिस्क होने वाला होता है उससे हम ओवरकम हो जाते हैं। एंड अश्योर्ड रिसीव पेमेंट ऑफ लॉस। अगर हम लोग इंश्योरेंस लेते हैं और उसके बाद भी हमें अगर लॉसेस होता है तो वो इंश्योरेंस कंपनी क्या करता है, हमें एक अमाउंट पे करता है और उस अमाउंट से हम क्या कर सकते हैं, अपने लॉसेस को कंपनसेट कर सकते हैं। ओके, उस लॉसेस के माध्यम से या उस अमाउंट से हम अपने लॉसेस को कंपनसेट करेंगे और उसके बाद हम अपने बिजनेस को और इन्हेंस और डेवलप करने के लिए लग जाएंगे। द इंश्योरर चार्जेस प्रीमियम फॉर प्रोवाइडिंग दी सर्टेनिटी। अगर इंश्योरर जो है या जो इंश्योरेंस कंपनी है उसने कंपनसेशन अमाउंट देना है तो वो उसके लिए क्या करेगा, एक फिक्स्ड फीस रखा है जिसे हम लोग प्रीमियम बोलते हैं। जो पॉलिसी होल्डर है उसे टाइम टू टाइम, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या एनुअली, उसको एक प्रीमियम पे करना होता है और उसी प्रीमियम के बाद जब आता है एक्सपायरी पॉलिसी का तब उसके बाद उसको वो अमाउंट मिल जाता है। या जो इवेंट होना होता है, चाहे वो रिस्क हो या अनसर्टेनिटी हो, अगर वो हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी उसको क्या करता है, कंपनसेट देता है और वो पैसा रिसीव करके अपने लॉस को फुलफिल करता है। जो भी लॉसेस होगा वो उसको कंपनसेट करेगा। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रोबेबल चांसेस ऑफ लॉसेस। उससे जो हमें लगता है कि यहाँ से हमें लॉसेस होने वाला है, यहाँ से हमें नुकसान होने वाला है, यहाँ से हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा ये भी हमको नज़र में आता है, यहाँ पर हमें ज़्यादा लॉस होगा ये भी हम चीज़ों को अज्यूम कर सकते हैं, चीज़ों को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ओके, एब्जॉर्बेशन के थ्रू हम लोग चीज़ों को डिटरमाइन कर लेते हैं और उसी डिटरमिनेशन से और एनालाइज के थ्रू हम लोग ये जान पाते हैं कि हमें कहाँ से लॉस होगा और कहाँ से प्रॉफिट होगा। वो एरिया जहाँ पर लॉसेस होने का चांसेस है, जहाँ पर लगता है कि अगर मैंने यहाँ पैसा लगाया तो यहाँ मुझे नुकसान हो जाएगा,
अगर मैंने ये वाला ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया, इलेक्ट्रिसिटी के कारण हो सकता है आग लग जाए या कोई और कारण हो, तो जिसके कारण हमें लॉसेस बेयर करना पड़ेगा, जो हमें लगता है कि होगा, उसके लिए हम इंश्योरेंस लेते हैं। इंश्योरेंस कैन नॉट स्टॉप द हैपनिंग। इंश्योरेंस अगर कोई लेता है, कोई इंडिविजुअल या कोई ऑर्गेनाइजेशन इंश्योरेंस लेता है किसी प्रोडक्ट का या किसी गुड्स का, तो वो हैपनिंग को रोक नहीं सकता है। हैपनिंग ऑफ द रिस्क, जो रिस्क उसको बेयर करना था या जो इवेंट होने वाला था, वो इवेंट को रोक नहीं सकता है। अगर कहीं पर आग लग गई है तो वो आग को रोक नहीं सकता है, लेकिन आग को के कारण जो होने वाला नुकसान है वो उसको मिनिमाइज कर सकता है। अगर कोई और डैमेजेस या कोई और लॉसेस हुआ है, तो वो रिस्क या लॉसेस को हैपनिंग से नहीं रोक सकता, होने से हम नहीं रोक सकते, लेकिन होने के बाद जो हमें कंपनसेशन अमाउंट मिलता है, जो हमें पेमेंट मिलता है फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, हम उस लॉसेस को कंपनसेट कर सकते हैं। बट कैन कंपनसेट द फॉर लॉसेस अराइजिंग ऑफ इट, जो भी इवेंट के कारण या जो भी रिस्क के कारण हमें लॉस बेयर करना पड़ा या हमने जो लॉसेस को फेस किया, हम उसको होने से रोक नहीं पाए, लेकिन जब वो चीज़ हो गया तो कंपनी ने क्या किया, हमें कंपनसेशन अमाउंट दे दिया। तो कंपनी ने जब हमें कंपनसेशन अमाउंट दे दिया, तो उससे हमारा जो लॉस था वो क्या हो गया, कंपनसेट हो गया। जितना लॉस हो गया उतना कंपनी ने तो हमें अमाउंट दे दिया, तो हमें लॉस हुआ ही कहाँ, जो हुआ था तो उसे कंपनी ने कंपनसेट कर दिया, तो बराबर हो गया, वो इक्वल हो गया। द नेक्स्ट वी हैव इज रिस्क शेयरिंग। द लॉस इज शेयर्ड बाय ऑल द पर्सन एक्सपोज्ड टू इट। द शेयर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एवरी इंश्योर्ड मेंबर द वे ऑफ प्रीमियम। ओके, यहां पर क्या हो रहा है, रिस्क को हम शेयर कर रहे हैं। अगर एक सोल प्रोप्राइटर था तो वो सारा का सारा रिस्क शेयर करता था। अगर उसको कभी नुकसान होगा तो वो क्या करेगा, वही बेयर करेगा। लेकिन अगर हम किसी प्रोडक्ट का या किसी गुड्स का या किसी प्रॉपर्टी का हम लोगों ने इंश्योरेंस करवा दिया है, तो इंश्योरेंस के माध्यम से जो हमारा रिस्क है वो शेयर हो रहा है, लेकिन उसके लिए हमें टाइम टू टाइम प्रीमियम पे करना पड़ेगा, देन ओनली इंश्योरेंस कंपनी विल कंपनसेट आवर अमाउंट। द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज कैपिटल फॉर्मेशन। एक्युमुलेटेड फंड्स ऑफ द इंश्योरर रिसीव बाय द वे ऑफ प्रीमियम। अगर हम कैपिटल फॉर्मेशन की बात करें, तो यहां पर क्या हो रहा है, जो पैसा है वो एक जगह जमा हो रहा है, एक जगह कलेक्ट हो रहा है। एक इंश्योरेंस कंपनी है, तो इंश्योरेंस कंपनी ने क्या किया, ए से भी प्रीमियम लिया, बी से भी लिया, सी से भी लिया और डी से भी लिया। सारा का सारा पैसा कहाँ आ रहा है, इंश्योरेंस कंपनी में आ रहा है। अगर वो सारा पैसा बी, ए, सी और डी के द्वारा इंश्योरेंस कंपनी में आ रहा है, तो यहाँ पे कैपिटल क्या हो रहा है, जमा हो रहा है। हो सकता है ए ने 2 रुपये दिया, बी ने 3 दिया, सी ने 4 दिया और डी ने 1 दिया। ओके, तो अगर हम इंडिविजुअली देखेंगे तो ये पैसा कम है, लेकिन अगर हम लोग इसको एक साथ जमा करेंगे, तो जिस जगह जमा होगा वहाँ पे तो पैसा ज़्यादा हो रहा है, तो कैपिटल का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर कैपिटल क्या हो रहा है, फॉर्म कर रहा है। एक्युमुलेटेड फंड्स ऑफ द इंश्योरर, जो इंश्योरर है, जिसने पॉलिसी लिया है, जिसे हम होल्डर बोलते हैं, पॉलिसी होल्डर, उसके द्वारा जो प्रीमियम के माध्यम से इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम भरा जा रहा है, बाय द इंश्योर्ड आर इन्वेस्टेड इन वेरियस इनकम ओके जनरेटिंग स्कीम। अब अगर एक जगह पैसा जमा हो रहा है, तो क्या वो इंश्योरेंस कंपनी केवल अपने पास ही रखेगा या उसको कहीं और इन्वेस्ट करेगा, जहाँ से जो उसको रिटर्न मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा। अगर हम पैसा एक जगह एक बॉक्स में जमा कर देंगे, घर में अगर हम सेविंग करते हैं, तो वो उतना ही रहता है जितना हम सेव करते हैं। लेकिन अगर वही पैसे को हम लोग बैंक में ट्रांसफ़र करते हैं और बैंक में डिपॉजिट करेंगे, तो वहाँ पर जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा प्लस जो हम पैसा वहाँ पर डिपॉजिट करेंगे, तो दोनों को अगर ऐड करेंगे तो पैसा तो इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन अगर वही पैसे को केवल हम घर में रखेंगे तो क्या वो बढ़ पाएगा, बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करता है,
इनकम जनरेटिंग स्कीम्स में जहाँ से उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिले, जहाँ से उसको रिटर्न ज़्यादा मिलेगा, वो उस जगह पे इन्वेस्ट करेगा। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज फायर इंश्योरेंस। फायर यानी नाम से ही पता चल रहा है, आग के कारण होने वाला जो नुकसान होगा उसके लिए हम लोग इंश्योरेंस लेंगे। फायर इंश्योरेंस मीन्स अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फायर इंश्योरेंस वेयर द इंश्योरर इन द कंसिडरेशन ऑफ द प्रीमियम पेड अंडरटेक्स टू कंपनसेट द इंश्योर्ड फॉर एनी लॉस और डैमेजेस कॉज्ड बाय फायर। जो फायर इंश्योरेंस का पॉलिसी लेता है, ओके, और जो फायर इंश्योरेंस करवाता है, जो कंपनी है और जो पर्सन ले रहा है, दोनों के बीच में क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट है। और वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, वो है फायर इंश्योरेंस। अगर कभी फायर के कारण नुकसान होगा, देन हु विल कंपनसेट, फायर इंश्योरेंस कंपनी विल कंपनसेट अगर उसका लॉसेज एक्चुअल में या डैमेजेस एक्चुअल में फायर के कारण होगा। फायर इंश्योरेंस बोलता है कि अगर जो आपने लॉस बेयर किया, आपको जो लॉस फेस करना पड़ा, अगर वो केवल फायर के कारण होगा तब फायर इंश्योरेंस कंपनी उसको पे करेगा, अगर फायर के कारण नहीं होगा तो वो उसको पे नहीं करेगा, है ना। तो हम जो प्रॉपर्टी अपना बनाते हैं या जो हम प्रॉपर्टी इस्टैब्लिश करते हैं या जो हम ऑर्गेनाइजेशन को इस्टैब्लिश कर रहे हैं, तो अगर उसमें कभी फायर के कारण आग लग जाता, ये भी चांसेस है ना कि फायर के कारण आग लग जाए हमारे प्रोडक्शन हाउस में जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, या उस जगह पे जहाँ पर हम गुड्स को एक जगह सेफ जगह पे रख रहे, लेकिन वहाँ पर भी चांसेस है कि हमारा नुकसान आग के कारण हो जाए, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फायर इंश्योरेंस लेंगे। अगर उस प्रोडक्ट में और गुड्स को नुकसान होगा बिकॉज ऑफ फायर, देन फायर इंश्योरेंस कंपनी विल कंपनसेट। द नेक्स्ट वी हैव इज फीचर्स। द इंश्योर्ड मस्ट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट। जो पर्सन जिसने इंश्योरेंस लिया है, क्या होना चाहिए, इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। ओके, इन द सब्जेक्ट मैटर इन द इंश्योरेंस, जो सब्जेक्ट मैटर है इंश्योरेंस का या इंश्योरेंस का जो पर्पस है, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस है, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो, चाहे वो मरीन इंश्योरेंस हो या फायर इंश्योरेंस हो, सब्जेक्ट अगर कोई भी हो, लेकिन उसमें एक चीज़ होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है इंटरेस्ट, इंश्योरेबल इंटरेस्ट। विदाउट इंश्योरेबल इंटरेस्ट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज वॉइड। अगर हमारे कॉन्ट्रैक्ट में इंश्योरेबल इंटरेस्ट का वर्णन नहीं होगा या इंश्योरेबल इंटरेस्ट के बारे में कोई भी डिटेल में इंफॉर्मेशन नहीं होगा, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को हम वैलिड नहीं मानेंगे। ओके, वो वॉइड हो जाएगा। पॉइंट नंबर टू इज द इंश्योर्ड शुड बी ट्रूथफुल। जो इंश्योर्ड होगा, जो पॉलिसी लेगा, जिसे हम पॉलिसी होल्डर बोलते हैं, उसको ट्रूथफुल और ऑनेस्ट होना चाहिए। ओके, इन गिविंग इंफॉर्मेशन टू द इंश्योरेंस कंपनी, जो पर्सन इंश्योरेंस ले रहा है उसको ट्रूथफुल होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, और वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहिए जो सही इंफॉर्मेशन है ना, टू द इंश्योरेंस कंपनी रिगार्डिंग द सब्जेक्ट ऑफ द इंश्योरेंस। जिस पर्पस के लिए हमने इंश्योरेंस लिया है, उस पर्पस के रिगार्डिंग हम इंश्योरेंस कंपनी को ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करेंगे, और ईच ऑफ एवरी इंफॉर्मेशन हम उसे बताएंगे, तभी जा कर के जो हमारा इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड माना जाएगा। हमने देखा कि अगर इंश्योरेंस में इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं होगा तो वो वैलिड हो जाएगा। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि अगर हमने कोई बात छुपा दिया और वो बात बाद में हो जाता है, तो उस समय इंश्योरेंस कंपनी हो सकता है डिनाई कर दे कि हम पे नहीं करेंगे कंपनसेशन अमाउंट। इससे नुकसान किसका होगा, उसी होल्डर का होगा जो वो होल्डर पॉलिसी ले रहा है। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन उस ऑर्गेनाइजेशन या उस इंश्योरेंस कंपनी को बताना पड़ेगा। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फायर इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ स्ट्रिक्ट इंडेमिनिटी। द इंश्योर्ड कैन बी द इवेंट ऑफ लॉस रिकवर द एक्चुअल अमाउंट। ओके, अगर हमारा नुकसान केवल और केवल आग से हुआ है,
तो हम वही अमाउंट रिकवर कर सकते हैं जो एक्चुअल में लॉस हुआ है, जितना का लॉस हुआ है बस उतना ही हम क्या करेंगे, रिसीव करेंगे, या उतना ही अमाउंट हम रिकवर कर सकते हैं। हम उससे ज़्यादा रिकवर नहीं कर सकते और वो इंश्योरेंस कंपनी हमें उससे ज़्यादा देगा भी नहीं। द इंश्योरर इज लाइबल टू कंपनसेट ओनली वेन द फायर इज द प्रॉक्सिमेट कॉज ऑफ डैमेज और लॉस। ओके, जो इंश्योरेंस कंपनी है वो पहले एश्योर करेगा, वो पहले इन्वेस्टिगेट करेगा कि इस पर्सन का जो लॉस हुआ है फायर के कारण, क्या वो इंटेंशनली है या एक्सीडेंट, या वो एक्सीडेंट के कारण हो गया है। एक होता है कि हम पर्पसफुल कर रहे हैं और एक होता है कि हमने, मेरा इंटेंशन नहीं था लेकिन वो चीज़ हो गया। जब हम फायर इंश्योरेंस लेते हैं तो हमारा ये इंटेंशन नहीं होता कि हमने अपने ही प्रोडक्ट को आग लगा देना है, लेकिन अगर लग जाता है किसी कारण से तो फायर कंपनी कंपनसेट करेगा। लेकिन फायर कंपनी तभी कंपनसेट करेगा जब वो वेरीफाई कर लेगा जो कॉज है, जो कारण है वो सही कारण है। ओके, ये एक्सीडेंट हो गया है, आग लग गई है, दैट्स वाई इसको नुकसान और डैमेजेस हुआ है। लेकिन अगर हम इंटेंशनली करेंगे तो फायर कंपनी या फायर इंश्योरेंस कंपनी जो है वो डिनाई कर सकता है कि हम कंपनसेशन अमाउंट पे नहीं करेंगे। ओके,